यदि मैं अपने अतीत में जा पाता और अपने आप से कुछ कह पाता, अपने आप को कुछ समझा पाता, तो मैं ज़रूर समझाता कि कभी हारना नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि हम लोग जो जीवन जीना चाहते हैं, जैसा जीवन हमने अपने बारे में सोचा है, हमने अपने सपनों में सोचा है, वैसा नहीं कर पाते हैं तथा हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें उन सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, परिवार से, दोस्तों से, समाज से, खुद से। हम डर जाते हैं अपने सपने को साकार करने से, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, हम दृढ़ नहीं रह पाते हैं, हमारा विश्वास अटल नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारे सामने नाकामयाब लोगों के नाकामी भरे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और हमें यह बताया जाता है कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा और कितना कठिन है। परंतु दोस्तों, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कितना कठिन है, हमारा संघर्ष कितना बड़ा है। यदि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, यदि आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब में यह क्षमता होती है कि हम जो सोचें वो करें, हम जो सोचें वो करें। मैंने अपने सपने में जैसा जीवन मेरे बारे में सोचा है, मैं अपना जीवन वैसा ही बना सकता हूँ। मैं अपनी हार को अस्वीकार करता हूँ, अपनी सीमाओं को लांघता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यदि मुझ में ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास संकल्प बनता है और संकल्प सच्चाई में बदलते हैं। यदि मुझे विश्वास है तो मेरे पास सपनों को सच करने की ताकत भी है, और मुझे मेरे परिवार को मनाने की, मुझे समाज से लड़ने की और खुद पर विजय पाने की ताकत भी है। जब हम अपने सपनों के आगे घुटने टेकने से मना करेंगे, जब हम सफल लोगों के उदाहरण ढूंढेंगे, जब हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने अपना जीवन अपने अनुसार बनाया है, जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी सफलता के कदम कैसे बढ़ाएंगे, जब कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए हम अपने आप राजी होते हैं, जब हम अपने आप अपने सपनों के बारे में सच करने के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम आकाश तक पहुंचने की चाहत रखते हैं, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमें विश्वास है, यदि मुझे विश्वास है अपने आप पर, यदि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। यदि आप सपना देख सकते हैं, यदि मैं सपना देख सकता हूँ तो उसे साकार भी कर सकता हूँ अपने आप के। शेक्सपियर ने एक बात कही थी कि हमारी शंका और हमारी दुविधा हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये हमें जीती हुई लड़ाई आसानी से हरवा सकते हैं यदि ये हमें प्रयास करने से डरा दें। बहुत से लोग डरते हैं, इसलिए वे प्रयास ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि वो पहले से हारे हुए हैं। जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं है, जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं है दोस्तों, पर जीवन में कुछ नहीं पाना बहुत आसान है कि आप उसके लिए प्रयास ही ना करें। आप भविष्य नहीं जानते कि आगे क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता। यदि आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, यदि आप सीखने की चाहत रखते हैं, यदि आपको पता है कि आपके निर्धारित लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तब आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से ही हो जिस तरीके से आपने सोचा है, परंतु यह भी ज़रूरी नहीं कि जितना समय आपने सोचा है इस कार्य को देने के लिए उससे उतना ही समय लगे, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, परंतु आपको अपने फैसले पर दृढ़ रहना है और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ और आप निर्धारित लक्ष्य को पा सकते हैं। हारना नहीं है, अभी नहीं, कभी नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी दुनिया अपने हिसाब से बना सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक दृढ़ विश्वास है, मेरा अटल विश्वास है।
क्योंकि जब मैं अच्छा सोचता हूँ तब मेरे साथ अच्छा अच्छा होता है, अच्छी बातें होती है, अच्छे लोग। पर जब मैं निराश होता हूँ, जब मैं हताश होता हूँ, तब मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है और मुझे वैसे लोग नहीं मिलते हैं और मुझे उस प्रकार के मौके नहीं मिलते हैं जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ। मैं अपनी दुनिया और अपना जीवन स्वयं बना सकता हूँ, यह बात मुझे पता है। मैं अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकता। मेरे साथ जो भी होगा मैं उसका दोष भाग्य को नहीं दे सकता। मैं इससे बुरा कुछ नहीं सोच सकता कि मैं अपनी गलतियों के लिए, कुछ न कर पाने के लिए अपनी नाकामयाबी का ठिकरा अपने भाग्य पर फोड़ूं। जीवन में चुनौतियां सबके साथ आती है दोस्तों, जीवन में चुनौतियां सबके साथ आती है, पर मैं उन्हें अपनाऊंगा। उन्हें बुरे या अच्छे के रूप में नहीं अपनाऊंगा, मैं उन्हें अपने जीवन के सफ़र के हिस्से के रूप में अपनाऊंगा और हर चुनौती को अपनी कार्य क्षमता के बल पर पराजित करूंगा। मैं अपनी चुनौतियों को अपने गुस्से और चिढ़ से पीछे नहीं करूंगा, मैं उन्हें अपनी कार्य क्षमता के बल पर पीछे करूंगा और मैं सफल होऊंगा। मैं ये बात भलीभांति जानता हूँ कि मेरी जीवन से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तथा मैं उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि चुनौतियाँ बलवान व्यक्तियों को ही मिलती है और मैं बलवान हूँ और मैं इस चुनौती को पार पा सकता हूँ अपनी कार्य क्षमता के बल पर। बस मुझे एक बात याद रखनी है, हारना नहीं है, अभी नहीं, कभी नहीं।